मजाल है कि लड़का मेरा फोन उठा जाए, मैं 4 घंटे हो गए इसको फोन कर रही हूं। चुक ले चुक ले। इनके पापा भी फोन नहीं उठा रहे हैं, बेटे भी फोन नहीं उठा रहे, किस दिन को मैंने औलाद पैदा की है ये? बकरा बेचारा बाहर भूखा बैठा। अपने घर में है, कोई टेंशन ना कोई बात, बिल्कुल ठीक। अच्छी लग रही हो आज। आज ईद का दिन है, सुबह सुबह इनके पापा ने मुझे कहा जरा ये सूट पहन लो, पुराना जोड़ा ही पहन लिया, कुर्बानियां कर, मेहंदी भी नहीं लगाई बाजी। नहीं माशाल्लाह प्यारा है, मैंने तो लगते मॉल चो खरीदया। चौचले नहीं होंगे कुड़िया वाले साढ़े की गल कर रहे। अच्छा बाजी आपके पास कसाई आ गए? क्या बताऊं तुम्हें मैं समीना, मैं सुबह से पक रही हूँ, सुबह से मैं इनके पापा को कह रही हूँ कि कसाई बुक करा ले। समीना ये क्या लाई हो? ये ना वो मेरे घर भी गोश्त है। ओहो सुन तो लो, मेरे घर भी वो कसाई नहीं आया। तो ये किसी ने खाली प्लेटें लाई हूँ, जब तुम्हारे घर कुर्बानी हो जाए तो 2-4 बोटियां मेरे घर भी भिजवा देना। कसाई ने कसम से नाक में दम करके रखा हुआ है, उसने आ ही नहीं रहा, अभी आ रहा हूँ 10 मिनट तक। एडवांस 2000 रुपया लेके गया है हमसे। 2000 में आजकल के दौर में बताओ कौन सा कसाई आता है। तीसरे दिन आ जाएगा, फिर 14 अगस्त वाले दिन आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नीफा बाजी, ईद मुबारक। मेरे घर से ना सुबह से मैं भूखी हूँ। बशीर के अब्बा ने सुबह सुबह ही कुर्बानी कर ली थी, हम लोगों ने 4 बकरे किए और 1 भेड़ा। माशाल्लाह तो गोश्त इतना सा करता बाजी, तुमने तो कहा था हिस्सा था ना वो गरीब, बाजी तुमने तो कहा था कि उसके हालात बहुत टाइट जा रहे हैं तुम्हारे, तुमने इतने अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी होती है बाजी, तो दिल खोल के करते हैं, इसी से ही तो रिज़्क बढ़ता है। पता है मुझे तुमने पूरी अपनी फ्रिज भरी होगी। नहीं नहीं बाजी अल्लाह माफ करे, 4 बोटियां इसको दे दी। कल मैंने देखा है, मेरी बात सुन रिजवाना, कल मैंने भी देखा रेडी पे आपके घर तो नया डीप फ्रीजर आ रहा था, वही भरा इसने सारा। नहीं नहीं वो मेरी है ना पुप्पो की बेटी, उसकी शादी हुई है, उसके घर अभी बकरा जिबा हुआ तो उसने रखवाया डीप फ्रीजर में, वो उसके जेज का डीप फ्रीजर है वो। मैंने आपका नहीं है वो, तो एक आधा शापर हम एक्स्ट्रा दे दें, कोई पका ले। मैं तो बड़ी अवजार हुई बाजी, छोड़े ही बातें बताई मैं कैसी लगी। 5 वक्त की नमाज माशाल्लाह बशीर के अब्बा ने लेके दिया ये जोड़ा दुपट्टा मुझे। यकीन मानो अक्सा के अब्बा को सुबह से कह के थक गई हूँ, कसाई को बुला लो, वो ऐसा बदतमीज है, 4 सालों से हमारे घर आ रहा है। यकीन जानो उस बंदे ने से पैसे मांगे हैं, दिए हैं, इस दफा उसने मैं जलील कर दिया। कहीं और से बाजी से थोड़े ज्यादा मिल गए होंगे। वैसे आपस की बात है, आपका कसाई सुबह मेरे घर कुर्बानी करके गया, उसको मैंने थोड़े ज्यादा पैसे दिए। आपने कितने दिए? हाँ अक्सा की बात से याद है, अक्सा दिखी नहीं मुझे, किधर है वो? त्यार नहीं, कपड़े शपड़े नहीं दिखाए अपने यहाँ। मैं आपको बेटी नहीं आई सामने, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इसी बात को तो औलाद को ही तो रो रही हूँ। औलाद के ऐसे लच्छन अच्छे नहीं होते कि आंटियाँ आई हुई, आंटियों को आके सलाम तो करे। मेरी बेटी सुबह से तैयार हुई है, अल्लाह का शुक्र है, नमाज पढ़ने गई है ईद की, बेटा भी गया है, बेटी भी गई है। बेटा भी माशाल्लाह से नमाज पढ़ने गया था। लेकिन वो सुबह से आपको पता है ना, वो टिकटॉक सेलिब्रिटी है तो उसके बड़े फैंस है, तो वो टिकटॉक पे बैठी होती है। मुझे तो अपने बकरे गरीब पे तरस आ गया, एक तो गर्मी इतनी है बाहर, बेचारा बंदा हुआ है। बिल बहुत आया इस दफा, आपको नहीं पता पंखा चला दे, मैं नहीं पंखा चला रही, बिल बहुत आया इस दफा। क्या मैं बात कहूँ आपको, मैं तो इसीलिए खांस रही हूँ, मेरी तो के अब्बा दुआयां भी नहीं आई हैं। मेरे अब्बा ने जब इधर शादी की थी ना, बस ये कहा था कि हम थोड़े से पाबंद हैं दुपट्टे के, दुपट्टा कभी सर से न उतारना, कभी तुम्हें पैसे की तंगी नहीं होने। बाल तुम्हारे सर से दिख रहे हैं और मसले तुमसे चौड़े घस घस सुनो। भाई इधर कौन से मर्द बैठे हुए हैं, इधर बताए सर आप मुझे। बैठे हैं मेरा मुंह ना खुलवा रहा, जितनी तुम मुंह मारती फिरती हो मल्ले में, इधर तुम्हें अब दुपट्टे याद आ रहे हैं। तुम्हारे बेटे को देखा के साथ तुमने लगाई थी चौक पे, कौन सी लड़कियां बाइक पे बिठा के लेके जाता सब पता वो है। तो मेरा बेटा है, बच्चा जवानी है, बाजी अल्लाह का वास्ता चुप कर जाओ। पांव तुम्हारे कब्र में लटक रहे हैं, पांव तुम्हारे कब्र में लटक रहे हैं। लव मैरिज करके घर आ गया, अब बताओ किस किस की जुबान बंद करोगे? कौन तुम्हारा बेटा,
अल्लाह माफ कर, इसका तो ब्याह ही नहीं हुआ अभी। ब्याह नहीं हुआ, कराई हुई है उसने, लव मैरिज रखी है साइड पे। जरा आंखें खोलोगी तो पता चलेगा। हमारा रशीद के साथ चल रहा है, ऐनक ला के देखेंगी स्वार के। रशीद के साथ चल रहा है ना, तुम्हें पूरे मोहल्ले बाजी। आप मेरे घर आई हो, मेरे साथ बात करो, अल्लाह का वास्ता है। कंट्रोल हो जाता है उसको देख के, बीपी शूट करता है। खुदा को जान देनी है, अल्लाह को जान देनी है बाजी। कोई मतलब नहीं हमें किसी की, माशाल्लाह हर बच्चे अपने घर में खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अच्छा तुम बताओ पाए कब बनाओगी? मैं खाने मैं मेरा पाए बनाऊंगी ना, तुम्हारे घर स्पेशल देने आऊंगी, बड़े मजे के बनाते हैं। हाय बाजी, मैंने आपका एक दफा वैसे खाया था साग आपके हाथ का, देसी घी का, बड़ा मजे का। आपने मुझे एक दफा भेजा था ना, महंगी हुई होती है। मक्खन दाल आपने भी भेजा था, माशाल्लाह वो भी अच्छा था, पर मिर्चें बड़ी तेज थी बाजी। मैं बताना भूल गई, अच्छा प्याजों का रेट अल्लाह माफ करे ऐसे चढ़ा है, टमाटर ऐसे महंगे हैं। मान से कल मेरी बेटी ने कहा मम्मा जी फ्रूट चाट बनाने चांद रात है, मैं फ्रूट लेने लिए आग लगी हुई फ्रूटों को, मैं क्या बताऊं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। फ्रूट वाले से मैंने कहा ये मैं एक जामुन चख लूं, तो उसने मुझे कहा ये 10 रुपए का एक जामुन है, अल्लाह माफ करे, मैं तो वो चख भी नहीं सकी। लाओ बाजी जरा मैं इसका गोश्त चेक करूं, इसने कैसा दिया। ओए आए क्या हाल चाल है, और गोश्त चेक कर जरा इसका, चर्बी दी हुई है सारी, देख देखिए। अभी मैं इसकी रख रख के करती, मुझे तो मौका आ गया। क्या हुआ बाजी? पैसे बाजी ये गोश्त है? एक मिनट, कौन से जानवर का गोश्त है ये? ये छोटे बकरे का, बकरा। ये बकरे का गोश्त नहीं है, ये बकरे की सारी चर्बी तुम उठा के इस डब्बे में मुझे दे गई हो। तुम्हें मैं इतनी जाहिल लगती हूँ? ये गोश्त अपने पास रखो, अपने बच्चों को खिलाओ जाके। तुम्हें लगता है हमारी शक्लों से हम इतने गरीब हैं? जी गुस्सा नहीं करी था ये, मैं आपके पकड़ो, लिए नहीं 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 पकड़ो अपना गोश्त वापस दो इसको। बाजी गोश्त लेके जाओ। नहीं बाजी नहीं नहीं, ये मैं आपके लिए लाई हूं, आपके लिए। तुम ज्यादा बकवास ना करो मेरे साथ बाजी। तुम मुझे टके टके की सुनाओ, है पकड़ो अपना गोश्त, पकड़ो पकड़ो। मैंने किस चीज की टके टके की बातें सुनाई है? अच्छा बाजी बाजी बस ठीक है, मैं रख लेती हूँ, मेरी बात सुने। मारो इसे, गोश्त गंदा हाथ ना लाइए थे मेरे नाल बदतमीजी। ईद के दिन है, मेरे साथ बदतमीजी नहीं करनी, मैं लिहाज में हूँ, मेरा मेकअप खराब हो जाए। बाजी आप घर जाए, माशाल्लाह आपके घर में मैं भी तेरे दस दियांगी, मैं हैगी कौन है, समझ आई है? बाजी तमीज नाल रह, मेरा बंदा मुझे घर से निकाल देगा, उसको पता चल गया अभी। तुसी पीछे रखो बाजी, फड़ा पा गोश्त, गोश्त पकड़ो अपना, तमीज से रहना, झूठे फोटो दूंगी तेरे को, गूगल किसी और को दिखाना तुम। ईद के दिन है मेरे, बाजी मैं जा रही हूँ, समझ आई? लेकिन फिर भी सारे अल्लाह की पंजाबी आ रही है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, चर्बी चर्बी सारी। अब ये इंसल्ट नहीं करनी है, दफा हो जाओ, अगली बंदी गोश्त लेके आई है उसका तुम बगा रहे हो। इधर आई ना सर, इसका दोनों ने नहीं पढ़ना गोश्त भी चेक करना है, मेरी भी से चेक करना है अभी गोश्त, और थोड़ा ऊंची बोलो फातिमा, तुम देव को कह रही है, देव मेरी शक्ल तो नहीं, तू होनी कौन है वापस? एक मिनट, इसी तरह दोबारा यहाँ से है ना मेरी सारी छुट्टियां। तू होती कौन है मुझे मारने वाली? बाजी ना, बाजी ना, मैं जा रही हूँ, समझ आई है? समझ आई है? और तुम मारो ना, ये तुमने लाल कर दिया मेरा यहाँ से। चलो मैंने तो प्यार से मारा, कहाँ लाल हुए? ये देखो